मुझे बताइए लास्ट डेट क्या करके गए सर? कल तो डबल डेकर निकाल कर लगाया था और वो भी फ्रेश बोर्ड में। हाँ फ्रेश बोर्ड वो भी यहाँ से मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो लाए नहीं थे डबल डेकर, यहाँ से फ्रेश उसका टीन निकाल के फिर पेस्ट निकाल के पूरा ग्लू फिर उसका। तो कभी इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मोहम्मद रईस, मोहम्मद रईस आप किधर से हैं सर? मैं सर तेलंगाना से, हैदराबाद से आ गया। हैदराबाद से आगे से है तो आपने वहाँ क्यों पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन नहीं किया? यहाँ एसर टेलीकॉम क्यों आए? मुंबई दिल्ली भी जा सकते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं भाई बताओ। हाँ सर वहाँ हैदराबाद में भी इंस्टीट्यूट है, कम से कम 10 से 12 इंस्टीट्यूट हैं। भाड़ा पड़ा है, मैंने देखा वहाँ पर सर्च किया जी। 15-20 दिन का कोर्स है, 15-20 दिन में तो मैं कुछ नहीं सीख सकता। बिल्कुल। आप क्या कर पाते थे सर, क्या करते थे सर? मैं पहले सर नॉर्मल सॉफ्टवेयर कर लेता था, चार्जिंग सर्किट, बस कुछ मोबाइल डेड आया तो सर्विसिंग करता था, हो गया चालू तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कस्टमर चिल्ला दे जाता। अरे बाप रे, कस्टमर चिल्ला भी देता था कि यार तुमने अच्छा खासा काम भी बिगाड़ दिया, पहले जैसा करके दे दो। कस्टमर बोलता था अगर नहीं होता तो पकड़ा क्यों मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया कस्टमर? तो यार ये तो ऐसा लगता था कि उस दिन तो ऐसा लगता होगा खाना नहीं गया होगा। और कोई मोबाइल चालू अब कभी समझो उसका जाली निकालते थे। हाँ पतरे डेड हो जाता था, जाली निकाल दी मोबाइल डेड हो जाता। अब डेड हो भी गया चलो कोई बात नहीं है, तो डेड को बनाना भी आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा भारी भरकम डेड तो होता नहीं है, जनरली ब्लैक पेस्टेड होते हैं, सीपीयू रिवॉल्व करके लगा सकते हैं तो चालू भी हो जाता है। हो जाता है, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था सीपीयू क्या चीज है, क्या चीज है। तो आपने फाइनली एसर टेलीकॉम को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आप चिप लेवल पे सीखना चाहते थे, आप आईसीयू पे काम करना चाहते थे और आप चाहते थे एंडलेस सीखो। हाँ सर। एंडलेस क्या होता है? एंडलेस मतलब काम की जो प्रॉब्लम आई है वो कहाँ से आई है और क्यों आई है और उसको कैसे बनाना है। बिल्कुल, फॉल्ट फाइंडिंग डायग्नोस हो जाए, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि यार अब ये क्या है। हाँ। इतनी रीडिंग ले रहा है तो क्यों ले रहा है, ले रहा है? सारी रीडिंग पे सब कुछ आपको पर्टिकुलर सिस्टम में सिखाया गया है। हाँ सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि डीसी पावर सप्लाई होती है उसमें रीडिंग बताता है मोबाइल के। हाँ, चालू होने की रीडिंग, हाफ थ्रॉटलिंग, फुल थ्रॉटलिंग है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम भी बताता है मुझे तो डीसी पावर सप्लाई। एमएमसी से फॉल्ट है तो बता देगा, सीपीयू से फॉल्ट है तो बता देगा। फिर अगर मैं डेट को डायग्नोस को बोलूं या फिर मैं किसी डायग्राम को बनाने को बोलूं या किसी डायग्राम को पढ़ने को बोलूं तो ये सब बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल, बोर्नियो में भी हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, बोर्नियो के डायग्राम के जरिए पूरा मोबाइल का क्या बिल्डिंग है, प्रॉब्लम वो सब सर्च कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए लास्ट डेट क्या करके गए सर? कल तो डबल डेकर निकाल कर लगाया था और वो भी फ्रेश बोर्ड में। हाँ फ्रेश बोर्ड वो भी यहाँ से मिला था। अच्छा अच्छा। हम तो लाए नहीं थे डबल डेकर, यहाँ से फ्रेश उसका टीन निकाल के फिर पेस्ट निकाल के पूरा ग्लू फिर उसका। तो कभी रईस ने ये चीज़ सोची थी क्या कि मैं कोई कंपोनेंट पे काम नहीं किया, छोटा मोटा काम करता था, आज डबल डेकर कर रहा हूँ, मतलब एकदम से कितना हाइप गया आप, तो अभी डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? डर खत्म हो गया। तो डबल डेकर कराने का एक रीज़न यही होता है कि हमारे स्टूडेंट जो कि हम इनसे हर एक आईसी पे काम करवाते हैं, अच्छा किसी भी सेक्शन से हम निकले, वो स्पीकर हो, वो चार्जिंग हो, वो आपकी लाइट हो, तो हमने हर पर्टिकुलर आईसी को निकलवा के लगवाया कि नहीं आपसे? हर कि प्रैक्टिकल को लाइव करके बताया हमको, जो डायग्राम पे बताते थे वो लाइव आईसी में और आपके आपके मोबाइल में बताते थे। ऐसा तो नहीं है कि हम मोबाइल जेब में लेकर आते थे क्वालिटी वाले, बोलते हैं हमको जितने आपके पास फॉल्ट मोबाइल है हर हर फॉल्ट को लेके आओ। हर क्लास में आप लोग से पूछ पूछ के थक गए कि बताओ निकालो फॉल्टी मोबाइल, निकालो फॉल्टी मोबाइल है कि नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि टारगेट हमारा इतना है, उससे तो आधे से भी कम निकलते हैं, आधे के भी कम निकलते हैं कि पुराने क्लास में तो इतने निकल गए थे तुम तो कोई भी नहीं लाए। तो आपने लाइव सीपीयू लगाया है? हाँ सर लगाया, लाइव और पावर लगाई है, तो मतलब सेटिस्फाई हो कि नहीं उसको? एक ही बार में रिपेयर फाइनल टच देना है, चालू करना है। अच्छा। हाँ। क्या बात है, क्या प्लानिंग है जाने के बाद? बस अब जा परफेक्ट काम करना है, प्रैक्टिस करके हम मोबाइल को सक्सेस करना है। क्या लैंग्वेज है आपकी वहाँ की, मदर लैंग्वेज क्या आपकी? उधर दो भी चलता है, हिंदी तेलंगाना बोल लेते हैं, बोल लेते हैं। हाँ। तो अपनी लैंग्वेज में बताइए कि क्यों कोई वहाँ से एसर टेलीकॉम में आए, थोड़ा बताइए अपनी लैंग्वेज में। सर जो अगर काम सीखना चाहते हमारी लैंग्वेज में तेलुगु। हाँ जी बोलो। इकड़ मेरे पनी नेर्चुकोवाल्सि उंटे इकड़ एसर टेलीकॉम की रावचु, जबलपूर लो एसर टेलीकॉम उन्नदी, परफेक्ट नेर्चुकोवच्चु मनम, एमैना फॉल्ट उंटे पनी मनम मनकु पनी सक्सेस कादु अक्कड, ఇక్కడ వచ్చి మనకు మొత్తం సక్సెస్ అవుతుంది పని, ఇక్కడ వచ్చి మంచిగా పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు,
चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई तुम बोलते तो तेलुगु से हैं, कहाँ से हैं, पर क्या पता वो पड़ोस से क्यों ना हो, है ना। इसलिए भाई, इसलिए मैं लैंग्वेज बुलवा रहा हूँ कि नहीं भाई ये तेलंगाना से ही हैं, हैदराबाद से हैं, पर्टिकुलर आप चाहें डेली लाइव देख सकते हैं, डेली लाइव। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल डेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dr.